ऊपर को आए हम यहाँ पे और रास्ता ऐसा खतरनाक हो रखा है, आप देख सकते हो पूरा ये है, बेल बेल है आगे को और यहाँ से रास्ता कट रहा है। क्या नाम बताया तूने जगह का? हैडी। हैडी रास्ता भाई बहुत खतरनाक है यार ये। क्यों? ऊपर स्कूल चल चल सीधे कर, ये वही वाला एरिया है सकती है। मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं। बढ़िया है जो है ना। मेरे सभी दोस्तों को आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और खुश होंगे। और अभी मेरा नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी बज रहे आपके 10:30। एक्चुअली मुझे जाना पड़ रहा है अपने फ्रेंड के यहाँ, मेरा स्कूलमेट फ्रेंड है जिसके साथ मैंने ट्रैक्टर वाला व्लॉग निकाला था जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। तो उसका मुझे मैसेज आया था और उसने कन्वे किया था कि मुझे कि आप मेरे संग चलना, हमारा वहाँ पूजा है हमारे घर से ऊपर को, फतेहपुर से ऊपर को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी टाइम लगेगा तो मैं आ जाऊँगा अगर मेरे पास फ्री हुआ टाइम। तो अभी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, पहुँच चुका हूँ। अभी मेरे को एक और को पिक करना था, हमारा फ्रेंड है मानवेंद्र, तो अभी मैं उसके घर में आया हूँ, वो आ चुका है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या हाल है? बस रेडी हो फिर चलने के लिए। चलो चल रहे, चलो फिर चलते हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं, आपका हो रहा है 11:30 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। ये गजेंद्र पूरा रेडी हो चुका है, चले फिर। कहाँ जाना है अभी हमने? हमने जाना है हैडी। हैडी और पब्लू कैसा है? बढ़िया। सुबह चले गए आए नहीं? चलो सही है, चलो ताऊ जी लोग की है ना, देर हो गई या आए नहीं? आ रहे बस, चल फिर। हाँ तो फिर अब चलते हैं। तो गजेंद्र बता रहा है हमें हैडी जाना है, तो पता तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। ये कितना दूर है यहाँ से? होगा यार 1 घंटे का रास्ता, 30-1 किलोमीटर का रास्ता। 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से? 1 घंटे दूर है, पैदल भी है ना तो। और अभी हम चल रहे हैं सीधे हैडी को। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बावन डाट को और ये आपका बसानी को भी जाता है रास्ता। और आजकल ये क्या हो रहा है यार गजेंद्र, इससे आगे आगे देखा तो बहुत 25-30 किलोमीटर है और आपको वहीं जाके मिलते हैं। ये हमारी बावन डाट वाली लाइन आ गई है। ऊपर को आए हम यहाँ पे और रास्ता ऐसा खतरनाक हो रखा है, आप देख सकते हो पूरा। ये कौन सा एरिया हुआ? यही मोड़ की बात कर रहे थे शायद लोग बाग, है ना? बसानी है शायद। भयंकर बसानी अभी ऊपर है ना, बोर्ड लगा था, बेल बेल है ऊपर। हाँ, और ये रास्ता इतना खतरनाक है, गाड़ी भी निकालने में ऐसा ऊपर नीचे हो रखा है, लगने का भी डर। लेकिन लगेगी नहीं, ऊंची गाड़ी थोड़ी है कि नहीं? बाप बहु तो मंगाई है। खतरनाक। हमें यहाँ से कहीं कटने को कर रहा था यार, चलते रहो पुल पार करने के बाद यार। ये यही वाला मोड़ थोड़ा खतरनाक लगा, मतलब बाकी ऊपर नीचे ऊपर खा पड़ा था, क्या पता लगने का डर लगा, लेकिन लगी नहीं। यहाँ से डालना है? हाँ हाँ चलते रहे। पुल आ गया है यहाँ पे, यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा है। तो माने भाई बिल्कुल बिल्कुल से कट रहे। एक जाता तुम्हारा किधर को जाता है? एक इसने वो बोला था यहाँ पे, क्या कहते हैं, बेल बेल है आगे को और यहाँ से रास्ता कट रहा है। क्या नाम बताया तूने जगह का? हैडी। हैडी यही है ना रास्ता? हाँ। चलो फिर इस साल रास्ते में डालते हैं। रास्ता कहाँ है वैसे? बाप बहो रास्ता भाई बहुत खतरनाक है यार ये। क्यों? हम सही जा रहे हैं कज्जू, लोग मिलेंगे तो पता चल जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है भाई तेरा, होगी नहीं अच्छी ऑफ रोडिंग। ये गाड़ी तो रोज आ रही होगी फिर। एक्सपीरियंस करने में कैसा मजा आ रहा है यहाँ से भयंकर। तो मानव भाई तुम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो? बिल्कुल फर्स्ट टाइम भाई। पर स्कूल सामने दिख रहा है, स्कूल है शायद।
कितना दूर है हो? कितना दूर है अभी? कितना फिर भी आपका? 4-5 किलोमीटर। बहुत ही भीड़ इलाके में आ गए हैं। रास्ता एक आगे को जा रहा है सीधे और एक जा रहा है ऊपर को, और वहाँ लिखा है जैसे कि आप देख रहे हो ग्राम पंचायत, अगर आपको विजिबल है ग्राम पंचायत मंदिर मार्ग ऊपर दिख रहा है, और यहाँ से आइडिया नहीं आ रहा रास्ता कहाँ पे है मंदिर का। तो बस अब हम चल रहे हैं, हमसे इन्होंने बोला था लोगों जिससे हमने पूछा सीधे चलते रहना रास्ता मत छोड़ना, तो अभी हम सीधे ही चल रहे हैं। चलता है, एक दो बार आया था गज्जू, तो गज्जू बता रहा गज्जू कौन सा रास्ता सीधे बता जा रहा है, ये रास्ता यहाँ पे जाना है, मैं एक दो बार आया मुझे आइडिया आ गया है, तो अभी हम चल दे रहे हैं। अगर बाई चांस गलत होगा फिर हमें मोड़ना पड़ेगा, है ना गज्जू? अरे पूरा नज़ारा कितना अमेजिंग है, हम गलत रास्ते में आ गए, अब हमें मोड़ के फिर ऊपर को जाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो बहुत 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 प्यारा नज़ारा है। चल चल सीधे कर, ये वही वाला एरिया था, लगने का डर लग रहा था। यहीं पे सकती है, मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं। मेन जो गांव है गजेंद्र का यहीं पे है, पहले जो गांव था है, कभी कभार आते हैं अब तो, और गाड़ी मैंने यहीं पे पार्क कर दी क्योंकि ऊपर जानी पड़ती थी। गाड़ी है जानदार वैसे, है कि नहीं यार? अरे बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो फिर ऊपर को चलते हैं। सो अभी थोड़ा सा ट्रैक है छोटा सा, एक दो मिनट का, वहां तक तो जाना है। हाँ दिख गया हो तो वाह, तुमने आओ भी रब जाके हम आ गए इधर, खाना खा लिया? नहीं तो अभी कहाँ, अभी तो 2 घंटे लगते हैं। चलो फिर तब तक उन लोगों ने भी यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। चलो फिर आगे चलते हैं, आप देखते हैं आपको आगे मिलाते हैं। बढ़िया है जो है ना, तुम कुछ टाइम आए टाइम हो गए रहे हो भाई, सुबह आए हाँ। अरे ये बता, हमारे पास होने का हम बेच रहे हैं उसको। अच्छा नहीं, मैं भी सोचता हूँ यार, अभी कहते थे तुम बोले कि चलो ना एक टायर आगे से बीच में। अब जस्ट यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया, ये पत्तल उड़ते हुए यहाँ, क्यों गज्जू? गज्जू रेडी? तो खाना लग गया है, खाना स्टार्ट होगा अभी, भूख लगी है, पहले खुद देखूंगा। बहुत अच्छा लगी है सबको, देख सकते हैं आप सब बैठ गए, अभी 2 घंटे के इंतजार में बबलू भी यहाँ बैठा है। बबलू खाना लगा, इसको देखो, इसको देखो, मानव इधर देख जरा, भूख लगी है। यहाँ से व्यू देखो आप, बहुत ही अल्टीमेट। कैसा लगा फाइनली हमने खाना वाना खा लिया, 3:30 हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर को। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, वातावरण भी बहुत अच्छा है, खाली एरिया में है और कितना मस्त व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हो। खाना वाना खा के अभी जस्ट हम सीधे गाड़ी के पास जा रहे हैं, घर जाके ही करेंगे व्लॉग को एंड। और भाई लोगों के साथ बहुत मजा आया, क्यों गज्जू? क्यों आनंद? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ का व्यू देखो आप यार, कितना ही प्यारा है। व्लॉग करूंगा, मैं घर जाके दिखाऊंगा, बस इतना ही यहीं तक था। और होप करता हूं आपको इस वीडियो और ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और आशु ब्लॉग्स को फॉलो करें। आज दूसरा दिन है, मैं ब्लॉग एंड कर नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था और कल आया और मुझे ब्लॉग एंड करने का टाइम नहीं हो पाया। सो होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। आपने देखा जैसे कि मैं अपने फ्रेंड गजेंद्र के यहाँ गया हुआ था हेड़ी, उसके गांव में पूजा थी और लिटरली मुझे बहुत ही डर लगा क्योंकि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता था, फिर भी मैं वहाँ चले गया और इतना थक गया था कि ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाया। होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे बने हैं तो आशु ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।